तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। नमो यूनिवर्स। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड आपकी ही चेतना का प्रतिबिंब है? आपके जीवन में जो कुछ भी है, आपकी वास्तविकता और आपके अनुभव, ये सब आपकी चेतना के लिए एक ऑडिशन के समान है। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे ही आपकी सोच, भावनाएं, धारणाएं और संवेदनाएं पूरी तरह उस ऊर्जा पर निर्भर करती हैं जो आप उनमें लगाते हैं। जिसे आप अनदेखा करते हैं, वह आपके अनुभवात्मक क्षेत्र से गायब हो जाता है। चुनौती तब आती है जब हम इस प्रक्रिया को अनजाने में करते हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में घटित होता है, वह आपका अनुभव नहीं बनता यदि आप उसके ऊपर अपना ध्यान न दें। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यह एक तथ्य है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। जब आप अपनी ऊर्जा नहीं लगाते, तो घटनाएं और परिस्थितियां आपके कंपन पर असर डालने लगती हैं। आकर्षण के नियम के क्षेत्र में अक्सर यह कहा जाता है कि विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हालांकि विचार स्वयं में खाली बर्तन हैं, वे केवल आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। आपके पास उन्हें ऊर्जा देने की शक्ति है, हाँ कहकर या उन्हें अस्वीकार करके, नहीं कहकर, धन्यवाद कहकर। यह विचार आपकी ऊर्जा के प्रवाह को निर्देशित करते हैं, जो ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया को तय करता है। इसलिए ब्रह्मांड से बात करने का तरीका यह है कि आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक विचारों की ओर मोड़ें और नकारात्मकता को नजरअंदाज करें। हमारी यात्रा का पहला कदम है ध्यान देना। जब से आप इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मांड आपसे पूछता है, आप क्या चाहते हैं? अपनी इच्छाओं को प्रभावी ढंग से ब्रह्मांड के सामने व्यक्त करने के लिए या कहे बताने के लिए आपको ऊर्जा की भाषा को समझना होगा। ब्रह्मांड भाषा को नहीं पहचानता, यह आपकी कंपनात्मक भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पढ़ता है। जो भी प्रतिक्रिया आप ब्रह्मांड को देते हैं, उसे हां के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब है कि कृपया मुझे और अधिक दें। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसी वाइब्रेशन या भावनाएं यूनिवर्स को भेजते हैं। इस गतिशीलता को समझना चयनात्मक ध्यान देने के कला में महारत हासिल करने के समान है। जैसे एक कुशल संगीत निर्देशक ऑर्केस्ट्रा का संचालन करता है, हमें भी अपनी सोच और भावनाओं को ध्यान के माध्यम से बढ़ावा देना चाहिए। जब हम अपनी वास्तविकता के किसी विशेष पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उस पर ध्यान देकर उसे बढ़ाते हैं। इसके विपरीत, किसी विचार या परिस्थिति से ध्यान हटाकर हम ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि हम इसे अपने अनुभव में नहीं चाहते। दूसरा कदम है वर्तमान काल में सोचना और बोलना। ब्रह्मांड केवल अब के समय को वास्तविकता के रूप में मानता है, क्योंकि सब कुछ वर्तमान में घटित होता है। अतीत और भविष्य के विचार उभर सकते हैं, लेकिन वे केवल प्रतिध्वनि के समान होते हैं, जबकि वर्तमान में ब्रह्मांड ध्यानपूर्वक सुनता है। जब हम ब्रह्मांड को चेतना के रूप में देखते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि सोचना अपने आप में एक संवाद का रूप है, लेकिन ब्रह्मांड हमारे विचारों और भावनाओं को हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं समझता। उदाहरण के लिए, यदि आप बार बार कहते हैं, मैं सफल हो जाऊंगा, तो ब्रह्मांड सुनता है, मुझे अभी सफलता नहीं चाहिए। इसके बजाय ऐसा महसूस करें जैसे कि आपके पास वह पहले से ही है जो आप चाहते हैं। हर संभावित वास्तविकता पहले से ही अस्तित्व में है, जिसमें आपकी इच्छाएं भी शामिल हैं। जैसा आप महसूस करेंगे, ब्रह्मांड वैसा ही आपके अनुभवों को ढालने लगेगा। तीसरा कदम है चेतना का विस्तार करना। जीवन एक जटिल खेल की तरह है, जहां नियम स्पष्ट नहीं होते। जैसे जैसे आप अपनी चेतना का विस्तार करते हैं और ब्रह्मांड की अनगिनत विभाजित वास्तविकताओं के बारे में जागरूक होते हैं, वैसे ही आप जीवन की जटिलताओं को भी बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। अपने आंतरिक स्वरूप, विचारों और बाहरी ब्रह्मांड की जागरूकता के साथ आप अधिक सक्षम हो जाते हैं और अपने अनुभवों को निर्देशित करने में अधिक प्रभावी होते हैं। चौथा कदम है अपने मार्गदर्शन प्रणाली को सुनना। आपके अंतर्ज्ञान, आपकी भावनाएं, ये आपकी मार्गदर्शक प्रणाली के भाग हैं। जब कुछ अच्छा महसूस होता है, तो वह आपकी सच्ची दिशा के साथ मेल खाता है। इसके विपरीत, जब कुछ बुरा महसूस होता है, तो वह आपके वास्तविक स्वरूप से विचलन को दर्शाता है। इस मार्गदर्शक प्रणाली के पीछे मूलभूत सिद्धांत है, जो कुछ आपके साथ मेल खाता है उसका पालन करें और जो नहीं करता उसे छोड़ दें। अपने अंदर की सकारात्मक भावनाओं का अनुसरण करना और नकारात्मकता को नजरअंदाज करना ही ब्रह्मांड के साथ समन्वय है। पांचवा और अंतिम कदम है दोहराव का प्रयोग। ब्रह्मांड का ध्यान ज्यादातर आपके अवचेतन मन से आता है। आपका अवचेतन मन किसी विचार को अस्वीकार नहीं कर सकता,
वह बस ध्यान आकर्षित करने वाली जानकारी को संग्रहित करता है। यह वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं कर सकता, इसलिए बार बार सकारात्मक पुष्टि करने से आपका अवचेतन मन उस नए विश्वास को स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप आत्मविश्वास चाहते हैं तो बार बार मैं सबसे आत्मविश्वासी व्यक्ति हूं का उच्चारण करें और उसे महसूस करें। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे मान्यता देगा और आपकी वास्तविकता में इसका प्रदर्शन शुरू करेगा। अंत में यह याद रखें कि आप ही ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मांड से संवाद करना आपके उच्च स्वर से संवाद करने के समान है। जब आप अपनी चेतना को सकारात्मकता के साथ संरेखित करते हैं तो आप प्रभावी रूप से ब्रह्मांड से संवाद करते हैं। आपकी वास्तविकता आपका कैनवास है और आप इसके कलाकार हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमेशा मन में सकारात्मक विचारों को ही स्थान दें और नकारात्मकता शब्द को अपनी किताब से हटा दें। दोस्तों, अब मैं कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहा हूं जिनके माध्यम से यूनिवर्स आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। यहां से बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना। यूनिवर्स हमें विभिन्न तरीकों से संकेत दे सकता है, जिसे हम अक्सर संकेत या सिंक्रोनिसिटी के रूप में महसूस करते हैं। ये संकेत हमें हमारी जिंदगी के रास्ते, फैसलों और दिशा के बारे में मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। यहाँ कुछ सामान्य तरीके हैं जिनसे यूनिवर्स हमें संकेत दे सकता है। कई बार हमें एक ही बात या व्यक्ति से बार बार मिलना या किसी घटना का बार बार होना एक संकेत के रूप में दिखाई देता है, जो हमें किसी विशेष दिशा में ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के कुछ महसूस होता है या किसी दिशा में जाने का आभास होता है, यह आपकी आंतरिक बुद्धि और यूनिवर्स का संकेत हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि यूनिवर्स प्राकृतिक घटनाओं या जानवरों के माध्यम से संकेत भेजता है, जैसे अचानक किसी विशेष जानवर का दिखना या मौसम में बदलाव। कभी कभी लोग हमारे जीवन में आकर हमें महत्वपूर्ण सलाह या संदेश दे जाते हैं, जो हमें किसी स्थिति को समझने में मदद करते हैं। सपनों के माध्यम से भी यूनिवर्स हमें संकेत दे सकता है। सपने अक्सर प्रतीकों और संकेतों से भरे होते हैं, जो हमें जीवन की समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि यदि वे बार बार एक ही संख्या या पैटर्न देख रहे हैं तो यह यूनिवर्स से संकेत हो सकता है, जैसे 1111 या 5555 जैसी संख्याओं का बार बार दिखना। यूनिवर्स के संकेतों को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप जागरूक रहें, अपने अंतर्मन से जुड़े रहें और उन संयोगों या अनुभवों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बार बार हो रहे हैं। तो आज के ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारी यूनिवर्स लॉगिन फैमिली में आपका दिल से स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।